हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस बीएसएम प्ले लिस्ट में पढ़ेंगे एंथ्रोपोजोनोसिस के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता के दूंगा कि एंथ्रोपोजोनोसिस क्या है एग्जैक्टली। तो एंथ्रोपोजोनोसिस जो है एक टाइप ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ जोनोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे एक एनिमल थ्रू जो है डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जब भी एक एनिमल कॉज रहे स्प्रेड होने का जो कैरियर रहेगा, एक अगर एनिमल रहेगा उसको बोलेंगे एंथ्रोपोजोनोसिस। एनिमल्स कैसे कि डॉग हुआ, डॉग क्या स्प्रेड करता है? रेबीज। रेबीज जो है रेबीज वायरस से कॉज होता है। और कैटल भी स्प्रेड करता है अपने मिल्क से। ब्रूसेलोसिस जो कि एक बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है जो कॉज करता है एंडुलेंट फीवर। ओके, और तीसरा रहेगा रैट्स। रैट्स जो है प्लेग कॉज करते हैं जिस विच कॉज द ब्लैक डेथ। ओके, विच कॉज द डिवास्टेटिंग डेथ। बहुत सारे लोग प्लेग से मर चुके थे यूरोप में। तो एंटायर यूरोप वॉज खाली, तो एंटायर यूरोप को नाश कर चुका था प्लेग। तो इसका मेन कॉज था रैट। ओके, माइस, चूहा। चूहा जो है बहुत ही ज्यादा स्प्रेड कर रहा था प्लेग को। तो ये भी एक टाइप ऑफ एंथ्रोपोजोनोसिस हुआ है बिकॉज ऑफ द एनिमल डिजीज आ रहा है अपने अंदर। दूसरा हुआ पिग। पिग क्या क्या उसका था? जो भी लोग पिग खाते हैं, सुअर खाते हैं, सुअर का मांस, सुअर का गोश्त खाते हैं, उनके अंदर हायरेटिड सिस्ट नाम की चीज जो है बहुत ही प्रीवेलेंट, बहुत ही इजीली देखने को मिलता है। उनके लीवर के अंदर हायरेटिड सिस्ट फॉर्म होता है और जिसकी वजह से लीवर फेल होता है, लीवर जो है काम करना बंद कर देता है। तो इट इज वेरी डेंजरस टू ईट द पिग मीट, पोर्क मीट। ओके, तो ये रहा एंथ्रोपोजोनोसिस के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय।